दो बजे हमने स्क्वाड्रॉन करके 3 बजे हमने स्टार्ट किया, 1 घंटे का फोरम पूरा ना होने का टाइम था। 3 बजे हम अब इजलास आवाज करते हैं। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दरखास्त करूंगा शाहरुख शहीद से कि वो तिलावत कलाम पाक की सादा दर्शन। शाहरुख أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. जैसा अल्लाह सुबहानअल्लाह नात रसूल मकबूल के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा अशआत कोठारी साहब से कि वो चंद अशआत पेश करें। तीन लोग अगर आप माइनस करते हैं तो 50 14
कैदी हो गए एनजीओ का अटेंडेंस 52 गोरखनाथ उसका है अभी 52-48 हुए 94 ये बात हो रही है कि हम इसको क्या है जॉब करें 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए या नेक्स्ट डे चल वो प्रश्न है दोबारा ठीक है बता दें नंबर चार दिन एक हफ्ता लेकिन 15 दिन ज्यादा हो गया हमने इलेक्शन के अनाउंस कर दिया है देखिए बात ये है कि अभी हम इसको अगर एडजॉर्न करते हैं एक आध हफ्ता तो हमारी नेक्स्ट संडे हमने ऑलरेडी एक मीटिंग जनरल काउंसिल की प्लान की हुई है बीच में हम एक और मीटिंग एक हार्ड एंड फास्ट 2-3 दिन के नोटिस पे नहीं निकाल सकते ठीक अब अगर हम इसको नया एजेंडा निकालते हैं 15-20 दिन का तो फिर वो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि हमने इलेक्शन अनाउंस कर दी है तो अब हमारे पास टाइम नहीं है ठीक है अब इसको क्या करें हम राय देते हम इसको आगे भेज दें या क्या करें जी देखें थोड़ा सा लूट है हमारे यहाँ पर जो स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है उसमें भी देखना पड़ता है कि किस पर्पज के लिए बुलाई गई है पर्पज इज टू अमेंड दी बायलॉज विथ रिक्वायर्ड थ्री फोर्थ जो है जिनके 75% है दैट मीन आज की जो आपकी 75 बनता है जो कि 94 अगर मैं आज भी अटेंड करके करना चाहूँ तो अटेंड मीटिंग का एक और तरीके का भी अटेंड मीटिंग में कोरम की जरूरत नहीं मगर मेरा तो यहाँ कोरम फिक्स है तो मेरे हिसाब से इसमें अटेंड मीटिंग की गुंजाइश ही नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस तो फिर अब इसको अब मेम्ब्रान से राय ले लें हमने जो हरी खाते हुए तो नहीं थे माइक अगर एक्स्ट्रा है तो माइक में आ जाओ ना स्टाफ भी नहीं चावल पहले तो मुझे देखने बहुत खुशी में इतने सारे लोग मौजूद हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे क्योंकि जाहिर बात है मैच है इसकी वजह से लोगों का शौक है इसकी तरफ है तो वो इस वजह से थोड़ी सी आखिरी गैर यकीन हो गई लेकिन ये कि अगर या तो हम आधे घंटे के लोग उसको एक्सटेंड करें जब तक आप लोग चाय शाय पिलाएं हो सकता है लोग आ जाएं क्योंकि कुछ लोग अपने फोन के रास्ते में है हो सकता है लोग मैच देख रहे हो तो आप बताएं कि क्या कर सकते हैं या फिर दूसरी राय ये है कि आप जो आइंदा आपके लिए डेलीगेशन बुला रहे हैं इसको उसके साथ ज्वाइन कर दें और पहले ये एजेंडा चला दें उसके बाद वो एजेंडा करें और अगर कंटिन्यू होगी तो उस मीटिंग को बेशक आप नेक्स्ट डे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ये तरीका उसके इसके अलावा तो देखें बाकी आप राय सचिव भाई थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आधा घंटा मौके कर सकते हैं ये कर सकते हैं सुबह कर ले लेकिन जैसे मौका करेंगे तो एडजेंट मीटिंग का जो एक जनरल लॉ मेरी यहाँ नहीं दे पाएंगे एडजेंट मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड कोरम और इधर मुझे हर हालत में 3/4 यानी 94 चाहिए
तो क्या वो मीटिंग वैलिड होगी फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉ? ये मेरा सवाल है। हम डिस्कशन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सही है, अदरवाइज उसमें हम अगर कहेंगे कॉलम नॉट रिक्वायर्ड तो मेरी अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं पूरी होती है। ये बड़ा आप एडजस्ट करें जी। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि आपको एक और अमित भाई कुछ कहना चाहते उसमें जो आपने बात की ना तो गौरव के उसके ऊपर, तो लास्ट टाइम जो गाड़ी खाते रहती थी तो उसके ना 74 या 75 थे। उस वक्त भी मैंने कहा था इसको आप ना अगर यही करना है तो 74-75 का ले जाए और आधा घंटा अगर रोज करते थे तो पब्लिक आ जाती, और उस वक्त खत्म कर दी मीटिंग। अभी है 49 सोसाइटी के भी हमारे यहाँ ना 8 out of 20 है सोसाइटी के, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। तो ये जुल्फिकार भाई कुछ कहना चाहिए। आपका आइन ना आधे घंटे की एक्सटेंशन की बात करता है, ना आपका आइन अगले हफ्ते की बात करता है। आपका आइन आज के मौके इजलास के बाद आपको 21 दिन का टाइम देना है। जो आइन कहता है वो करें, हम लोगों की मर्जी से ना करें। अगर आप लोग हम लोगों की मर्जी को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर आइन में तो क्या करने जा रहे हमारी मर्जी से, तो मेरा तो ख्याल है और बेहतर ये है कि इसको मौके कर दिया जाए। और इसका नया वक्त जो 21 दिन आप इलेक्शन की परवाह नहीं करें कि इलेक्शन आपका 25 दिसंबर को है। अगर आपको 21 दिन का टाइम मिलता है तो आप 21 दिन की तैयारी के बाद आज के बाद आज की डेट अनाउंस कर दें कौन सा दिन मुनासिब रहेगा, कहाँ मुनासिब रहेगा, ताकि जितने मौजूदा अराकीन है इनको समझ में इतना पहुंच जाएगी कि हमारा नेक्स्ट इजलास मौके शुदा कब होगा। तो कहीं आपको दिक्कत हो रही है, हम अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन ये तो जुल्फिकार भाई ने कहा उसकी थोड़ी मस्ती कर लो, ये कोई गारंटी काम नहीं हो रहा है। चलो अगर हमने से कोई नहीं चलेगा, मैं पढ़ लेता हूँ। गोरम के बारे में लिखा है 51% ऑफ द टोटल मेंबर शेल फॉर्म ए कोरम एट एनी मीटिंग ऑफ जनरल काउंसिल जिसमें एक्स्ट्रा इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 60 मिनट्स जो आप from the time appointed for the meeting. The meeting if convened upon the requisition of members shall stand withdrawn. अगर वो members ने किया तो withdrawn खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। Article in any other case, जो आज in any other case, it shall stand adjourned on the same day. आज भी उसको provided the notice to this effect has already been served. देखा हुआ तो है। Or the next succeeding day. अगले हफ्ते हो सकती है टू ए डे एंड टाइम फिक्स्ड बाय द मीटिंग एंड इन सच एडजर्न्ड मीटिंग नो कोरम शैल बी रजिस्टर्ड। आप तो बात करें ना कि दोबारा 21 दिन तक भी नोटिस का नहीं होगा, मगर आज ये फैसला कर जब एक हफ्ते बाद मीटिंग करनी है तो फिर नहीं हो कब बोलोगे तो कब होगी परसों होगी वेन मीटिंग इज एडजर्न्ड either for want of quorum for 15 days or more. Yani aaj agar hum faisla lete 15 din jaise zyada karna hai, notice of adjourned meeting shall be given as in the case of urgent meeting. To do sort hai agar first kar le aaj karte hain agle hafte kabhi kar lete hain fir aapko naya notice dene ki zarurat hai nahi dene ki zarurat hai, lekin agar 15 din usse zyada ke liye fir aapko jis tarah notice aaj ki meeting ka kar hoga agar ye clear ho gaya ho nahi mera khayal ki ye jo aap padh rahe hain ये हमारी जनरल बॉडी के लिए है। जो एक्स्ट्रा जो जनरल बॉडी आप कॉल करेंगे जिसका रोज 21 दिन का है उसके लिए ये करनी नहीं भाई, हेल्प कर दीजिए नहीं आप पढ़ने सामने नहीं नहीं अगर है तो बता बता दो हमारी
चेयरमैन साहब विथ योर ड्यू परमिशन यस सर, आज की जो ये हमने आइन में तरामीम के लिए जो मीटिंग बुलाई थी और इसमें तीन जमातें रह गई थी, सदर बिलपरा और सोसाइटी, तो वो जो बाकी चार जमातें हैं उनकी अप्रूवल हो गई है या उनको आज के दिन बैठना जरूरी था? जी 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 था, नहीं फिर उन्होंने जो अमेंडमेंट किए जो कुछ किया वो काबिल कबूल नहीं है जब तक यहाँ का कोरम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बताऊँ इसको तो आपकी सीएमसी भी अप्रूव कर चुकी है और फिर आप सीएमसी से फिर अभी सवाल भी करेंगे जबकि आपका तो अप्रूव था, आपको तो इसको डिफेंड करना चाहिए। इसमें सीएमसी ने बिल्कुल इस पे बात की है, छह घंटे हम बकायदा इस पे बैठे थे और बकायदा इस पे बात की है। अप्रूवल इन द सेंस ये है कि जो जो पॉइंट्स थे उसमें हमने लिखा है कि भाई हम इसपे बात करेंगे जनरल काउंसिल और जो पॉइंट्स एग्री होते गए हम उसको ओके करते गए और जो रह गए थे यानी जिस पे बात करनी थी वो हमने कहा जनरल काउंसिल में बैठ कर बात की। इसलिए द सेंस ऑफ इस तरह हमने मेरा सर यही कहना है कि बार बार इसी तरह से अरेंजमेंट करना है इतना आसान नहीं है, लोग इतना मैनेज करके अपने प्रोग्रामों को आते हैं। मेरा सर इतना ही कहना है इलाकाई जमातों को वो पाबंद करें अपने अपने मैनेजिंग कमेटी के अराकीन को और एक्सिक्यूटिव अराकीन को ब्लाइंड फॉरम फोन करके ये बार बार की लोग जितने बैठे हैं कोई फारिग तो नहीं है, लोग सब आए अपना अरेंज करें जी। जो पाकिस्तान से भाग गए उनका नहीं कहना, जो अभी है ना आठ लोग तो पाकिस्तान से भाग गए, आठ एक जमात चार लोग हमारे गए पाकिस्तान से। सर ये रीजन नहीं है ना, शकील भाई बात नहीं है कि इसमें कभी कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि सारे चले गए माशाल्लाह। मेरे ख्याल से आपने क्रॉस स्टॉक लोग हैं ठीक है, आप अपनी राय दे दें। मैंने क्रॉस स्टॉक ना क्रॉस नहीं है, क्रॉस स्टॉक से ज्यादा अच्छी बात नहीं है, आपने अपनी राय दे दी ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारा शुक्रिया है कि ट्यूबर जमा करने में जब जनरल काउंसिल होती है तो माशाल्लाह इतनी तादाद होती है लेकिन अपनी हड्डी और आज की जो ये कानूनी है ये आगे फ्यूचर प्लानिंग है आपकी और इसके लिए लोग नहीं आ रहे हैं तो ये एक लम्हा शुक्रिया ही कहूँगा, अफसोस की बात नहीं है। भाई सबसे पहले जो आपने जो चार जमात वाली और तीन जमात वाली बात है ना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो हमने सब जमातों में गए थे ना बेसिकली वो ये थी, जिस तरह सीएमसी में एक हुई थी, मेरे ख्याल से भी वो सीएमसी में वो चीज डिस्कस होंगे और वहां पे जो सीएमसी में जो बातें हुई थी वो उसमें इनपुट करा दी गई थी, मेरे हिसाब से वो थी बात ठीक है। अच्छा अब आते हैं उसके बाद ये हुआ कि चाकीवाड़ा में और दूसरी जगह पे गाड़ी खाते भी मेरे ख्याल में हुआ था, सब जगह पे ये सेशन हो चुका है और वहां पे बेसिकली वो जो मोटिव था वो जो स्लैब था वो ये था कि आप जो जो 17 मेंबर जो है ना उनको भी एक तरह से ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको इसको थोड़ा सा बताया जाए कि भाई इस तरह की हम जो है ना एक कानून साथी करने जा रहे हैं, तो मोर लेस वहां पर भी तकरीबन यही बात हो गई थी। तीन जो जमातों का जो मामला था सोसाइटी सदर और बिंगोरा वो ये था कि वहां पे वो सेटिंग हो नहीं पाई थी, तो ये मेरे ख्याल में उसके हवाले से ये बात है। बाकी जो अटेंडेंस वाली बात है वो मैं अमित भाई की बात से एग्री करूंगा कि ये मतलब देखिए अगर हम इस पे सीरियस नहीं होंगे तो हमें कभी भी अमेंडमेंट नहीं करा सकते, या तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करें कुछ तो मेरे जाके हम इस तरह हो जाएंगे कि भाई लोगों को हम कोई जूम के ऊपर अलाउ कर दें कि भाई जूम पे तो मीटिंग का आ जाए इसमें शामिल हो जाए ताकि उनकी बात आ जाए प्रेजेंस हो जाए किस तरीके से हो जाए, क्योंकि अदर देन देट मैं तो नहीं समझता कि हम कोई और तरीके से लोग कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी नदीम भाई ने एक एडवाइस की है और आमिर भाई जिस तरह कह रहे हैं इस बात से मैं भी मुतफिक हूँ कि गौरव पूरा तो लास्ट टाइम भी नहीं था और इस बार भी यही पोजीशन है।
अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे कोई क्लॉज में है, अगर हम कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नदीम ने कहा कि अगर कोई ऐसा गूगल पे या कोई ऐसी चीज हो सकती है या कोई ऐसी चीज हम टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं, तो फिर हमें वो यूज करना चाहिए। अदरवाइज ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो या तो इसका टाइम बढ़ा दें या अपनी नेक्स्ट तारीख दे दें, फिर आप भी मशवरा दें। नेक्स्ट भी अगर फिर नेक्स्ट जाएंगे देख ले, मैं तो समझता हूँ ये वेट करें और सब फोन करें जो अराकी को फोन करें, माइक को माइक फोन करें, अमीन भाई कुछ कहना चाह रहे, अमीन भाई को माइक में। अच्छा नई टीम आ रही है, इलेक्शन हो रहा है तो माइक में बोल, नई टीम आ रही है, इलेक्शन भी हो रहे हैं हमारे, तो उसको इलेक्शन के बाद आप करवा लें अगर नहीं हो सकता तो। ठीक है अजी भाई, आप क्या करें? मेरे ख्याल से तो इसी में होना चाहिए, इसी में आप जो है ना थोड़ा सा वो करें, क्योंकि इस पर काफी मेहनत हो चुकी है। ओले, 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 देख। पहले आप इतनी सारी बार बार कोई बात नहीं करें और राय लोगों से मांगे, मुनासिब ये है कि वैसे ही अपने जनरल काउंसिल आपके नाम कर चुके हैं, आप इसका फायदा उठाएं और इससे जन को भी हमारी उसमें आप डाल दें और आप पहला इसी को प्रायोरिटी पर करें, डिस्कस उसके बाद दूसरे बिजनेस को करें, एक आप चांस और ले लें। ठीक है ना, हमारी कोशिश ये है कि अभी जो अभी आमिर ने कहा कि फोन करें, बुलाया हमने, मैंने आया दिखा तो नहीं किया, यहाँ बैठ कर के सारे मेहमान को भी यहाँ बैठ कर यही फोन करा था कि यार आप क्यों नहीं पहुंचे, तो अब चूंकि मैच की वजह से लोगों ने जो था, लेकिन मैंने सोचा मुसीबत ये हो गई है, बात तो सही है लेकिन क्या कर सकते, आप सौ के लोग कर सकते भैया, इसमें ये देखे ना जो अहदेदार बैठे हैं हमारे जिम्मेदार बैठे हैं, उन्होंने कोशिश की उनको बोला होगा, अब क्या करें, आप लोग कह ही सकते हैं ना, आपको ये सारे लोग इन्होंने जब भी टाइम दिया ना, बल्कि आप ये देखें यहाँ पर लोग 1:30 बजे से पौने 2 बजे से बैठे हुए, कहीं टाइम से पहले से बैठे हुए, मैं था 3 बजे पौन बजे किसको बैठा हम सब करें नुमान भाई सब हम लोग था तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे से बैठे हुए, तो अब हम आप सिर्फ दो ऑप्शन बैठे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, दो ऑप्शन बैठे एक पर कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो कहूंगा ठीक है चल कर ले प्रोफेसर बनने आपने नीचे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे याद है, दो पॉइंट लगे राज शुमारी के नाम में उसको खत्म करें, आप नहीं कह रहे हैं एक घंटे बाद मैं और ले लो आप कह मैं रात भर बैठने के लिए तैयार हूँ, उससे पहले जो वक्त दिया मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ कि क्या लूज किया क्या नहीं लूज किया, बहरहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें ये देखना है कि मैं इस अमेंडमेंट पे कल कोई ये ना आ जाए कि ये गलत हुआ, इस पर कानूनी बात नहीं हुई, कानूनी बात मैंने आपको एक बताई बेटा सर सामने दिया जो कानूनी बात मैंने आपको बताई कि ये मेरा सेक्शन कहता है कि 51% इंसाफ के लिए रू होने के लिए जरूरी है 1 घंटे तक, अदरवाइज वो अगर हमने पहले नोटिस कर दिया है, अगर पहले मैंने नोटिस कर लिख दिया कि आज के दिन हो सकती है तो फिर हम आज ही के दिन कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने नहीं लिखा है तो मुझे किसी नेक्स्ट डे पे जाना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं ये समझ लूँ कि आज हमारे नोटिस पे लिखा हुआ था मैं ये कर लेता हूँ और शुरू करने जाता हूँ, तो मेरा जो एजेंडा है
वो एजेंडा की रिक्वायरमेंट है 75% और 51% का फर्क होता है क्या ये इन फ्यूचर मुमकिन है कि आप 94 कर लेते क्योंकि अगर एजेंडिटी का लॉ ये है जनरल लॉ और ये या तो यहाँ सुन लो या फिर एजेंट मीटिंग का जो जनरल लॉ है और मेरे बायलॉग में भी लिखा है कि एजेंट मीटिंग में कोरम की जरूरत नहीं होगी नो कोरम इज रिक्वायर्ड फॉर एजेंट मीटिंग मगर मेरा जो एजेंडा है वो एजेंडा कहता है कि 75-3-4 होना चाहिए अगर वो पास कर मैं डिस्कस तो कर सकूंगा लेकिन पास कराने के लिए मुझे 3-4 चाहिए अब आप इस पे सोच लो क्या आज आप 94 चल लोगे उस दिन भी यही बात आई थी और बात ये हुई थी उसके बाद यार थोड़ा सा डिस्कशन ही कर लेते अनऑफिशियली तो उस दिन भी ये हुआ था कि ये पास नहीं हो सकेगा तो आज भी वही हो सकेगा उस दिन और वो आप वापिस चले जाएंगे अगर आप अब एक पॉइंट आपके उस पर आया जो मैं काउंटर का उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था पार्टी का कि हमने अगले हफ्ते जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाई है अब मेरी बात पूरी गौर से सुनिए मैं इसमें मदद चाहूंगा अपने दोस्तों की जो बायलॉग को आइन को समझते हैं और तजुर्बे के लिए आते हैं अपने प्रोफेशन के लिए आते हैं क्या अगर हम उस दिन आज की पहला सवाल एजेंट मीटिंग एक रेगुलर मीटिंग के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नंबर अगर कर सकते हैं तो उसकी कॉलम की रिक्वायरमेंट दूसरी होगी और जब हम कुछ एजेंट मीटिंग को उसी के बाद कंटिन्यू करते हैं तो उसमें फिर कोरम का क्या मसला होगा कितना हो सकता है वही फिर जो होंगे वही डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर 94 लेवल तो चले जाएंगे या आप ये एश्योर करते हैं कि उसके 94 पूरे करा देंगे मुझे जो कहा जा रहा है ना मैं इसका जवाब भी दे दूंगा वाई नॉट कहा गया कि ये अमेंडमेंट के लिए 100% होना चाहिए क्यों 75 रखा गया कि 25% की गुंजाइश इसीलिए रखी गई कोई आउट ऑफ कंट्री हो कोई बीमार हो कोई किसी वजह से इसीलिए तो गुंजाइश रखी गई है होगा क्या नवीन साहब ने मेरी बात कंफर्म कर दिया ये इफेक्ट अगर ये फैसला करते हैं अगले हफ्ता रहते हैं तो आपकी दो मीटिंग होगी एक मिनट दो मिनट कोई भी रखना दो होंगी वो टाइम का फर्क एक घंटे का फर्क दो मीटिंग होगी आपकी अब आप फैसला कर सकते पहले इशू करें मैं कह रहा हूं कि आज का ये इजलास हमने अमेंडमेंट की है उसकी अप्रूवल के लिए और अगर कोरम के हम ये इजलास बुला लेते हैं यहाँ पर या कल टाइम की क्या ऐसे नहीं कर रहे नहीं कर रहे अच्छा अभी हम सूरत आप कुछ करना चाहते जी वो उसी पे बात ये आपका एजेंडा टाइमिंग जो है ना हमारा अगला एजेंडा आप बताया अगर मैं थोड़ा सा टाइमिंग निकाल चुके हैं जी एक दो घंटे के बाद आप ये मीटिंग कॉल करें हमारा नेक्स्ट एजीएम जो है संडे को हमने रखी हुई है चाटे वाले जमा खाने में सुबह 11 बजे अकाउंट्स की अगर भाई मैं बोलूं
ठीक है, सुबह 11 बजे अकाउंट्स और सेक्रेटरी रिपोर्ट के लिए, ठीक है, वो उसके बाद 2 बजे नमाज ज़ोहर के बाद हमारी स्पेशल जो ये हमारी ये जो मीटिंग की ये हम उसी जगह पर चाकीवाड़ में दोपहर को 2 बजे रखेंगे, ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर भी कोरम का मसला है, सुने 12 बजे आप मीटिंग करेंगे, 1:15 बजे नमाज होगी, आपका आप 3 बजे रखें वो मीटिंग ताकि 4 बजे कल आपके लोग इतना लंबा नहीं बैठेंगे। फारूक भाई 2 बजे का इधर ना निकलने दें, हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे हैं, वही दुआ मफ़रत आप ही कर रहे हैं, और एक ठीक है तकरीबन निगाह जमात के लोगों से बात करी है कि भाई वो लेकर है बाहर, अब कुछ लोग बाहर हैं, कुछ मजबूरी है, कोई मसला नहीं है, हम एक हफ्ते का और वेट करेंगे इसको। दुआ मफ़रत सर बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, जिन्होंने शिरकत की, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।